अब खबर खानपुर से है, जहां जौरासी के सोलानी नदी पुल के पास बेल बोगी नदी में जा गिरी। हादसे में बोगी पर बैठे युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन युवक का शव नहीं मिल पाया। बता दें कि शिकारपुर निवासी 19 वर्षीय साजिद बेल बोगी से रेत ढुलाई का कार्य करता था। सोमवार सुबह वह अपने पिता के साथ बेल बोगी लेकर जौरासी के पास सोलानी नदी के पास नदी से रेत निकाल रहा था, पुल के पास इकट्ठा कर रहा था, जबकि उसका पिता कुछ दूरी पर नदी के किनारे खड़ा हुआ था। इसी दौरान पुल के पास बेल घुमाते समय बेल बुगी करीब 50 फीट गहराई में नदी में जा गिरी। हादसे में बुगी पर बैठा युवक भी बेल बुगी के साथ नदी में जा गिरा। कुछ देर बाद किसी तरह से बेल बुगी को निकाल ली गई, लेकिन युवक डूबने से लापता हो गया। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सालों से टूटे इस पुल की मरम्मत ना होने के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 6 बजे सूचना मिली थी हमें कंट्रोल रूम के द्वारा कि एक लड़का है, शिकारपुर का है, 19 वर्ष उम्र बताई जा रही है, आज आरिफ बताया जा रहा नाम, जमशेद, सन ऑफ जमशेद। तो ये अपनी क्या बोलते बैलगाड़ी से गिर गया नदी में। इसके बाद हम मौके पर पहुँचे 8 बजे के आसपास और सर्चिंग लगातार चली रही उस समय से। तो हमने जो भी प्रयास थे मोहम्मदपुर तक हमारी सर्चिंग चली, इसमें अभी तक हमें कोई भी रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है। लगातार अभी सर्चिंग चलेगी, हमारी डीप डाइविंग टीम भी आ रही है मौके पे, तो अभी फिर हम पुनः दोबारा सर्चिंग करेंगे। हाँ, शिकारपुर का लड़का था एक, साजिद शायद, जमशेद, आरिफ। ये नीचे से बुग्गी में रहता लाया था तो ऊपर झाड़ रहा होगा, तो उसका बैल कोई पीछे गया तो पीछे एकदम नीचे से लग गया, नीचे से लगे नदी में पूरा। वो 2 साल से टूटा हुआ पुल की वजह से नुकसान है भाई जी, बहुत घटना होती रहती है। कल भी एक घटना हुई है, कल भी तीन लड़कों एक्सीडेंट हुए, शायद 2 तो एक्सपायर भी हो गए उसमें। कितनी दिक्कत है, साल के साल दिक्कत हो। अगर ये पुल सही होता, रास्ता सही होता तो बच्चा बच जाता, क्यों जगह बहुत थी। हाँ, और अब जो जरा सी सड़क रह रही, अगर गाड़ी मोड़ो कुछ भी मोड़ो जो भी दिक्कत आओ, तो यो पुल की वजह से ही जो भी कुछ हो। अजी 2 साल तो टूटा, कोई को ज्यादा टूट गया था। और